सितारगंज में थारू समाज के लोगों ने लेखक अजय रावत द्वारा अपनी पुस्तक में थारू समाज के लिए लिखे गए अशोभनीय शब्द से नाराज होकर थारू समाज के लोगों ने शहर में जुलूस निकालकर मुख्य चौराहे पर अजय रावत की पुस्तक की प्रतिक्रिया जलाई। साथ ही सितारगंज तहसीलदार को और सितारगंज क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंप कर लेखक अजय रावत के खिलाफ SST ST एक्ट में कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही अजय रावत द्वारा लिखी गई पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। अजय रावत द्वारा थारू समाज के बारे में लिखे गए अशोभनीय शब्दों के बाद थारू समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं थारू समाज के लोगों ने सितारगंज एकत्रित होकर एक सभा की। सभा के बाद सितारगंज तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा और सितारगंज कोतवाली पहुंचकर अजय रावत के खिलाफ सितारगंज क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश को तहरीर सौंपी। साथ ही पेरेंट्स ऑफ कर थारू समाज के लोगों ने अजय रावत के खिलाफ SC ST एक्ट में कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही थारू समाज के लोगों ने नगर के मुख्य चौराहे पर एकत्रित होकर अजय रावत द्वारा लिखित पुस्तक में प्रतिक्रिया जताई। जनसैलाब जो है वो बढ़ गया है आंदोलन में। मैं समझता हूँ अभी FIR भी है, इसमें हमने कोतवाल साहब ने FIR दर्ज कर ली थी। FIR दर्ज हो गई आश्वासन दिया है और अगर FIR जमीन दर्ज नहीं होती तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा, लगातार चलता रहेगा। धरना प्रदर्शन जरूर रूप में हम लोग हमेशा प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि वापस नहीं हो, जब तक पाठ्यक्रम से अलग नहीं हो, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। माने ये कि जिस पुस्तक में उन्होंने ये जो शब्द कहे वो वास्तव में संविधान में भी लागू नहीं होती, उसमें प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि उस पुस्तक पर पूरी तरह से बैन होनी चाहिए और जितनी भी पुस्तकें उनकी निकली हैं वो भी वापस आनी चाहिए और उनको निश्चित रूप से ठीक प्रकार से जो SC ST आयोग के तहत उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हाँ, इन्होंने तहसीलदार साहब ने SDM साहब ने भी कहा कि हम पूरी तरह से उसकी प्रतियां ऊपर को भेजेंगे और उसमें पूरी रूप से कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर थानाध्यक्ष साहब ने भी कहा है, हमको पूरा आश्वासन दे कि हम निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पुनः ही आंदोलन करेंगे और इससे उग्र आंदोलन करेंगे। प्रोफेसर अजय सिंह है जो मुख्य विद्यालय के प्रोफेसर है, उन्होंने थारू जाति के लिए कुछ आपत्तिजनक बातें इसमें लिखी, इससे थारू जाति के लोग विरोध करने आए थे। उन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देके उचित माध्यम से उच्च अधिकारी को बात किया गया जो भी आगे से उस हिसाब से कर रहे हैं।